मध्य प्रदेश की रायसेन में बीटेक के छात्र निशिंक की मौत की गुत्थी अब तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। पुलिस को जांच से पता चला है कि निशिंक शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी में भी निवेश करता था, जिसमें उसे काफी भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा था। अमरनाथ के पवित्र गुफा में आसपास पहाड़ों पर मंगलवार को भारी बारिश हुई। इससे दोपहर करीब 3 बजे अमरनाथ गुफा में पास बने तालाबों और झरनों के पास बाढ़ आ गई। मार्गरेट ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं से बात करने के बाद उनके सभी कॉल डाइवर्ट किए जा रहे हैं। वे न तो कॉल कर पा रही हैं और न ही कॉल रिसीव कर पा रही हैं। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से बाहर हो गए हैं। नीरज चोपड़ा चोटिल हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। 24 साल के नीरज चोपड़ा ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। उनसे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इतिहास रचने की उम्मीद थी। शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव आने दो, हम उन्हें ही गाड़ देंगे। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल एक बार फिर से ईडी की पूछताछ की गई। एजेंसी ने सोनिया से करीब 6 घंटे तक सवाल जवाब किए। मेघालय में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मारक को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी नेता को यूपी से हापुड़ में पकड़ा गया, अब मेघालय पुलिस उनको वहां से लेकर जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह में मॉनसून उत्तर की ओर शिफ्ट होगा, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी अच्छी बारिश होगी। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से प्रदर्शन के दौरान हुई बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस अब जवानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 लोगों की हालत गंभीर है। सोमवार को इस मामले में 10 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 19 लोगों की कल इलाज के दौरान मौत हो गई। इस केस में मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच SIT ने शुरू कर दी है।